मोदी जी ने कहा था 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने में 169 रुपया खर्चा हुआ। हम तो जैंत के आदमी है भाई, गन्ने के भाव से दुखी गंडे लेकर आ रहे धा धा करते हुए। हाँ भाई, गन्ने पाला बदमाश मिला था बहुत। स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में, मैं हूँ नितिन चौधरी। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, 5 महीने से कम का समय बचा है और आज हम पहुंचे हैं किसानों के इलाके में और स्थान है मोरना मिल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ गन्ना किसान हैं, इनसे संवाद करेंगे। क्या इनके अच्छे दिन आए? सरकार ने वादा किया था आय दुगनी का, तमाम बातें हैं। गन्ने के भाव का भी मुद्दा है, देखते हैं किसानों के मन में क्या है। कौशल जी, हाँ जी, किस गाँव से है आप? देराड़ी गाँव में। देराड़ी से है। कर रही सरकार? सरकार तो अच्छा काम कर रही है, पर गन्ना का भाव नहीं दिया अब तक, पर्ची पर भाव नहीं डाला। पेमेंट तो मिलना शुरू हो गया? हाँ, तो फिर अच्छे दिन कहाँ गए फिर बताओ। पुराना ही रेट जो यूरिया कट्टा वो उस पर पहले घटाया, फिर घटाना जा रही है 5 किलो। अच्छा, 5 किलो फिर घटाना जा रही है उसको, 40 का हो जाएगा। हाँ, 40, पहले 45 का हो गया था। हाँ जी, और मोदी जी ने कहा था 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने में 169 रुपया खर्चा हुआ, 2014 के चुनाव से पहले कहा था मोदी जी ने 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने के लिए 169 रुपया खर्चा हुआ। किसान ये भी कह रहे हैं उत्पादन में बहुत दिक्कत है, इस साल उत्पादन बहुत कम हुआ है गन्ने जो बीमारी गन्ने में आ रही, उससे किसान बहुत परेशान है, गन्ने में बहुत खर्च हो रहा है। चारों तरफ से मार पड़ रही है किसान, चारों तरफ किसान को मार पड़ रही है। बोले अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, बहुत ऋणी है, अनु तो सब अच्छे टॉप कपड़े पहन फिर रहे, लेकिन किसान जो किसान करोड़ों भी बढ़वा रखे ना, कृषि बढ़वा रखे, वे लोग जमा नहीं होना। समाज से हैं आप? जाट समाज। जाट समाज से है। तो ये बताइए, 24 का चुनाव आ रहा है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? लोकसभा ये तो विपक्ष खत्म करने लग रहे, इनकी तानाशाही चल रही पूरी इस टाइम सत्ता में हो गई। सही बात तो यार, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मोदी ने वहाँ से मध्य प्रदेश में गए थे, मोदी ने वहाँ से कहा था आजकल जो विपक्ष गारंटी दे रहा है, मेरी गारंटी है एक घोटाले वालों पर कार्रवाई गारंटी, और एकदम एनसीपी के टूट कर शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार मुख्यमंत्री बना दिया, उसमें जा लिए बीजेपी में, और वे अच्छे हो गए जब उन पर घोटाले लेते तो वे अच्छे हो गए, उसका जवाब दूंगा यार। डुबकी लगा ली ना भाजपा में? तो फिर हम तो जयंत के आदमी है भाई, सिद्धि बहुत। 24 में जयंत चौधरी अजी आओ ना आओ, हम उसके पुजारी हों। चौधरी चरण सिंह ने कहा था किसान का जो तरक्की का रास्ता वो खेतों खलिहान से गुजरता है। इस बार तो लोकदल में भी चौधरी साहब कन्फ्यूजन हो गया, लोकदल कौन सी, एक लोकदल है एक राष्ट्रीय लोकदल है? लोकदल तो एक ही है, एक दूसरी लोकदल भी आ गई मैदान में, चौधरी विजेंद्र सिंह उसके महासचिव हैं, चौधरी सुनील सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हम तो में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इस बार तो ये। हम तो वो कहाँ है भाई, हम तो पूरे इलाके में उनके पोस्ट लगे हुए हैं, यात्रा निकाल रहे हैं मेरठ से बिजनौर तक निकाल रहे होंगे सबको अपना लोकतंत्र, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा काम कर रहे हैं। और जो ये खेतों में जो पछड़े फिर रहे इन सब बहुत दुखी हूँ। कहा तो है मंत्री जी ने बालियान साहब ने 31 जनवरी तक कहने वो सेंचुरी शुरू हो जाएगी। हाँ, कथनी में करने में बहुत फर्क है, पहले भी कहा था कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं भैया, काउ सेंचुरी कुछ नहीं भैया, सब कहने में 5000 गाय चली जाएंगी। अच्छा, कहाँ चलेगी जाकर देखो, गाय बछड़ा नहीं दिखेगा घूमता 31 के बाद, दिख रहे भी तो कुछ नहीं है। 31 तारीख तक इंतजार कीजिए, ऐसा मंत्री जी ने कहा, कर लेंगे इंतजार भी। किसान बहुत दुखी है, कुल मिला के खुश नहीं सरकार से। 31 खत्म हो जाएगा। हाँ जी, 31 तारीख लोग गेहूँ भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ कैसे दोस्तों, सरकार के कामों से कितने खुश हैं आप? सरकार के काम कुछ ना खुश भी है, खुश वाले भी, दोनों तरह के काम है। नहीं, सुरक्षा मिल रही है? सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा सही है। अच्छा, लेकिन कुछ फैसले गलत है इनके किसान के हक के। जैसे आप गन्ना किसान हैं, गन्ना लेके यहाँ पर आए हैं, गन्ने की आम फसल है मुजफ्फरनगर में, मेन क्रॉप जो है गन्ना है आपकी, इससे कितने खुश है गन्ने के भाव से? गन्ने के भाव से दुखी बहुत, लागत ज्यादा और जी गन्ना की पैदावार इतनी आई, किसान घाटे की खेती होगी। गन्ना टूटते मजा रहा बहुत। अरे तुम बढ़िया ट्रोली की तरह खड़े। अच्छा, हेलो, हाँ घटती तो ही है। हेलो, अच्छे दिन आए नहीं आपके अंकल जी? अरे वो तो पूरे मजे आ रहे भाजपा में। अच्छा, क्या बदल गया जीवन में? ठीक है, अपना चौके गंडे लेकर आ रहे धा धा करते हुए। हाँ भाई, अन्नी पाला बदमाश मिला था बहुत। सुरक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा बढ़िया, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? वही एक सुरक्षा ही मिल रही, और जगह खास बात नहीं। जो गन्ना लेके आए हैं इसके भाव से खुश हैं आप? ना, भाव से नहीं खुश हूँ, जैसे गन्ने के साथ साथ कुछ कहा हो जाएगा जब बात नहीं, बात तो पड़ 3 साल से नहीं पड़ा, और ना कोई कह रहा भाई भाव बढ़ना चाहिए,
जब बढ़ जाएगा जब खुश हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी आए थे इस दौर में, घोषणा करके गए कमेटी बना दी, जल्दी आपको उपहार मिलेगा भाव का। जब भी लगा जब खुश हो जाएंगे। अरे भाई अभी अभी खुश नहीं है, जब वहाँ नहीं मिला फिर अभी क्या मैं खुश हूँ। किसान तो भाई जब वहाँ मिलता रहा अच्छा तो खुश हो जाएगा। सरकार ने ये कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हुई, आपकी आय दुगनी? नहीं दुगनी कहाँ होगी, दुगना भाव तो नहीं है, दुगनी आय तो जब भी होती दुगना भाव कर दो भाई, दुगनी दुगना भाव हो गया, दुगना भाव तो नहीं है। किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको? नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिल रही है, वो भी बंद पड़ी सब आय नहीं रही, एक दो फिर आ गएगी। और अब उसमें तो मच आय भी नहीं रही, हमें तो क्या कर अपना वहाँ जा रहा, कुछ समय कोई वो नहीं रहा, कुछ के पास आ रहे हैं कुछ के नहीं आ रहे, किसी के आ रहे हैं किसी के नहीं। 24 में क्या लग रहा है, ये चुनाव जैसे आ रहा है, जयंत चौधरी और भाजपा में किसको देख रहे हैं आप इस बार पश्चिम में? अरे हम तो अपना भाजपा को देख रहे हैं, भाजपा को देख रहे हैं, हम तो भाजपा में देने वाले वोट। अच्छा भाजपा के सपोर्ट रहे हैं आप? जी सर। हाँ जी, कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार तो दिखाई दे रही है आपको जी, गन्ने का भाव बढ़ा नहीं अब तक, हम तो गन्ना किसान हो, आधा सीजन चला गया, 0-0 लिखा रहा पर्ची में। भुगतान तो देना शुरू कर दिया मिलों ने? ये भुगतान तो दे रहा, पुराना रेट से मिल रहा वो, मतलब रेट नहीं बढ़ा इस बार रोज कह रहे हैं सर। मंत्री जी भी कह रहे, संजीव बालियान जी भी, विश्वास नहीं है सरकार पे? विश्वास तो जब होगा जी, जब बढ़ाऊंगे जी, उससे पहले कैसे कहते। 24 में क्या देख रहे हैं आप? 24 का तो टाइम बताओगे जी, अभी क्या लग रहा है अगर आज चुनाव हो जाए? देखो वैसे तो भाजपा के ही चांस आने के, तो इस सीट से बिजनौर से क्या लग रहा है? बिजनौर से तो हमारा आपको आपको गठबंधन की थी, आपको भी गठबंधन ही जीतता है यहाँ से। अच्छा बिजनौर से आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वोट भाजपा को देंगे लेकिन इस सीट पे कमजोर मान रहे हैं बीजेपी को? भाई पालन जीतता है बिजनौर, बीजेपी ना एमएलए जीतता है यहाँ से, मतलब सीट फंसी हुई है बिजनौर, तगड़ी फंसी हुई, मतलब फाइट होगी दबा के इस पे, लड़ाई है, बढ़िया फाइट होगी इसको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फाइट होगी इसको। और पहले मनु को नाका जीतते, अब कभी गठबंधन का पैसा जीतता कहां से? और एक दिन नहीं आए हाँ जी, अच्छा और ना कहीं एक रोडा लगाया मनु नागर ने, काम नहीं किया, और जो विधायक है यहाँ फिलहाल चंदन चौहान, वो कैसा काम कर रहे हैं? अरे वो तो खैर फिर भी फिर हो जा, वो तो अच्छा। उसका पिताजी भी तो जाता चंदन चौहान का तो काम बिगड़ा, वो तो काम कर रहा, चंदन से खुश है? हां खुश है, चंदन से खुश है। अगर चंदन चौहान सांसद का चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी, तो उनको कैसे देख रहे हैं? चंदन चौहान तो जीतेगा, फिर वो जीतने वाला कैंडिडेट है, जीतेगा वो, हां जी उसके बाबा ना पिताजी ना क्षेत्र बहुत काम करते हैं, नारायण सिंह मुख्यमंत्री, उन्होंने उनका बहुत योगदान रहा क्षेत्र में जी, उनके जब अब्बाई में और मुख्यमंत्री। अच्छा नारायण सिंह, चंदन का चुनाव आपको लग रहा है यहाँ से? अच्छा बहुत बढ़िया फाइट होगी, अगर यहाँ भी खड़े होते हैं चंदन से। भाजपा के तो बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें मोहित बेनीवाल भी हैं, उमेश मलिक हैं, प्रिंस चौधरी से लगा करके कुंवर भारतेंदर तक, बहुत लंबी लाइन है बीजेपी की। भाजपा यहाँ सर्व विजय हो, सर्वसम्मति से विजय हो, सारे देश में हो, लेकिन अब अपना क्षेत्र हो उसका, यानी भाजपा सर्व, तो ममता बनर्जी हो बंगाल में, वहाँ पर बताओ भाजपा क्या कर रही है, वहाँ से जितनी आज तक सब ममता बनर्जी से नहीं जीत पाई, तो इस सीट को मान रहे हैं गढ़ है लोकदल का, यहाँ यहाँ गढ़ है जी, जोर सी बात है, तो ये लोकदल का गढ़ है, ये सीट लोकदल का गढ़ है, और गढ़ होने का कारण भी बीजेपी है, यहाँ कोई भी प्रत्याशी आ जाओ वो कोई भी कार्य नहीं कराता, भारत हिंदु आओ कोई भी आओ, जिला पंचायत हो, यहाँ पर हमारे क्षेत्र में कोई कार्य है ही नहीं, निर्मल जी कोई कार्य नहीं है, थोड़ा बहुत नाम मात्र का है, कोई कार्य नहीं है, भोपाल में डॉक्टर ना ना कोई कार्य नहीं है, हम बीजेपी के ही समर्थक, लेकिन काम नहीं हो रहा है, काम नहीं है क्षेत्र में, सबसे बड़ा है हमारा मोरना मिल का सबसे बड़ा मुद्दा इसका जो विस्तारकरण का, और जो इन्होंने बताया था डॉक्टर साहब ने पहले चुनाव से पहले कि वो मिल जो है इसका विस्तारकरण होगा, बड़ा होगा, वो कुछ नहीं हुआ, भूजन से बीजेपी वाले वोट भी लगे थे कुछ नहीं हो पाया, उससे भी नाराजगी, नाराजगी है इस पूरी बेल्ट में। हाँ जी नहीं, हम तो योगी बाबा से बहुत खुश हो, ऐसी बात नहीं, खुश हाँ लोन एडर पर हम खुश हो, लेकिन खेती उससे नाराज है, हाँ उससे नाराज हम, एक तो ये खेतों में जो आवारा पशु हो, और एक जो हमारा रेट हो, रेट गन्ने का भाव अगर बढ़ जाता है और आवारा पशु की समस्या समाधान हो जाता है, मोदी जी को वोट देंगे, फिर मोदी जी के साथ आ जाएंगे, समस्या का समाधान होगा तो किसान मोदी जी के साथ में होगा, योगी जी मोदी के साथ में, किसान की समस्या योगी जी और मोदी जी समझेंगे तो किसान बीजेपी के साथ होगा, 80% से ज्यादा जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये सीट लोकदल की है,
ये वाली सीट, ये सीट लोकदल पे जाएगी, दो बार जा चुकी फिर भी जाएगी। एक बार यहाँ भारतीय हिंदू हुए है, उन्होंने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करा, कभी कभी आए नहीं क्षेत्र में, कभी घूमे नहीं, भी कुछ नहीं किया, मनोहर नागर किसी ने कोई नहीं आया, उन्होंने तो कुछ कर भी दिया भारतीय हिंदू ना, सकल बिंदे की उसको देख ली टेलीविजन पर हो जा रहा, बस टेलीविजन पर हो जा रहा। अच्छा मायावती जैसा जीरो पे आज मलिक नागर भी जीरो पे हो जाएगा अब इस बार, हाँ इस बार बनने का नहीं, क्यों भारतीय हिंदू बनने का यहाँ शुरू में ये आ रहे फिर चुनाव आ रहे, जो निर्मल साहब है, निर्मल साहब जो है मतलब ग्राम पंचायत हमारी इनकी एक ही है, हम गिराटी के माजरी के प्रधान ही है, ग्राम पंचायत की है। अच्छा एक ही है जो मजरा है, हमारा नजदीक की हमारा समझो बड़ा भाई है, कर रहा कुछ नहीं। अच्छा लेकिन काम कुछ जिला अध्यक्ष होने मतलब भाई हैं लेकिन काम नहीं किया, जैसे जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ के तो इतना कार्य नहीं हो पाया, क्या इन्होंने मतलब हमारी एक गांव से नाहर से की पट्टी से नाहर से लेके और गांव तक का इन्होंने आश्वासन दे रखा कुछ RCC के लगवाऊंगा, लेकिन नहीं जनवरी के महीने में इसी में कह रखा, तीन साल हो चुके थे कहा के लग गया या नहीं लग गया, तीन साल से वादा किया, तीन साल से वादा, तीन साल से भी कोई कार्य नहीं हमारे यहाँ पर है, और हम तो योगी जी और मोदी से खुश हो, हमारे गन्ने का भाव चाहिए, हमारी और कोई समस्या नहीं है, इनकी जो फसल है गन्ना उसका रेट सही नहीं है, उसका अगर समाधान हो जाता है तो ये किसान भाजपा की तरफ जा सकते हैं, वरना लोकसभा बिजनौर में भाजपा के लिए रहा आसान नहीं होगी। आज इस वीडियो के लिए मोहरा मिल से इतना ही, नमस्कार।